लक्ष्य अग्रवाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल न्यूज़ विद जिंदगी पे। तो आज एक बार बताएंगे आप लोग किस बारे में मीटिंग कर रहे हैं आप लोग? आज संगठन को लेके हमारी मीटिंग है, संगठन विस्तार को लेके, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है। और सभी विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं और जिले के अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, सब अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और संगठन को बढ़ाने के लिए आपस में चर्चा कर रहे हैं। सर, आने वाले चुनाव को लेकर पार्टी क्या तैयारी कर रही है? सर, आने वाले चुनाव को लेकर ही आज की तैयारी बैठक है। सभी शहरों के अंदर हम वार्ड सेवक बना रहे हैं और गाँवों के अंदर ग्राम सेवक बना रहे हैं। जिला परिषद के और चेयरमैन के चुनावों के उम्मीदवारों का चयन चल रहा है। सर, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप लोग दिल्ली में जो है मुस्लिम समुदाय को प्रमोट करते हैं, आप मुस्लिम समुदाय की जो मस्जिदें हैं उनमें आप लोग जो है उनको तनख्वाह देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हिंदुत्व को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम आम लोगों के लिए कर रहे हैं जो हमने करना है, उसी चीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं। पहली सरकार है जो शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, बिजली के नाम पर, पानी के नाम पर वोट मांग रही है, ना कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। जो पहले जो सरकारें रही हैं, जो पार्टियां रही है और उसमें बीजेपी भी इंक्लूड है, जो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। जैसे मैंने अभी बताया कि हरियाणा के अंदर भी ये जाति पाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अभी रिसेंट में किसान आंदोलन चल रहा है, उसको भी जाति पाति के नाम पर बांटा जा रहा है। इन पर जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो ये सांप्रदायिकता का मुद्दा लेके आते हैं। इनका इतिहास रहा है वही, अब आज ये दिल्ली के अंदर आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो ये इस तरीके के अलूल जुलूल मुद्दे खड़े करते हैं, जैसे कि मुसलमानों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी समुदायों के लिए काम कर रही है, बिना जाति पाति के, बिना धर्म के, सबके लिए काम कर रही है, क्योंकि सबकी जो मूल जरूरतें हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बिजली है, तो उनके लिए काम करना जरूरी है। बाकी सब ये जो बातें कर रहे हैं सिर्फ इनका एक प्रमोशन का जरिया है, दूसरे को बदनाम करना सांप्रदायिकता के नाम पर, खुद कुछ नहीं करना। आज दिल्ली के अंदर MCD है जो BJP की सबसे भ्रष्ट तंत्र है, पूरे विश्व की सबसे करप्टेड संस्था मानी जाती है। सर, किसान के मुद्दों को ऊपर लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, BJP कहते हैं कि हम लोग MSP लेकर के आए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग समर्थन मूल्य अभी दे रहे हैं, लेकिन सुनने में आता है कि ये लोग लिखित में देने को तैयार है, तो आपकी पार्टी का इसके ऊपर क्या स्टैंड है? सर, देखिए, BJP है वो लोगों को मूर्ख बना रही है। आज महंगाई चरम सीमा पे है, जो तीनों काले कानून है वो बिल्कुल किसानों के खिलाफ है। यूरिया को लेके किसान लाइनों में खड़े हैं, किसानों की जो आय है वो घट रही है, बढ़ नहीं रही है। किसानी एक घाटे का सौदा इन लोगों ने बना दिया है। जो बड़ी बड़ी बातें इन्होंने करी थी वो सब झूठ है। आज एक साल से किसान आंदोलनरत है, कोई भी इंसान अपने घर से बाहर निकल के रहने को, बैठने को किस लिए मजबूर होता है? क्योंकि उसकी आने वाली पीढ़ियाँ तक इन्होंने दाव पर लगा दिया है, बेचने का काम कर दिया अपने काओं को, अपने प्राइवेट यार मित्रों को। तो उसके खिलाफ जनता है वो एकजुट हो चुकी है, इनको लगातार आईना दिखा रही है। और ये बात ये लोग भी अब समझने लग गए, इनको गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा और आने वाले चुनावों के अंदर इनको इनकी जो असलियत है वो जनता दिखा रही है। लक्ष्य जी, देखिए, एक बात जो कि आमतौर से पब्लिक देखने में आ रही है कि हम लोग दिल्ली में जो आप लोगों के बारे में सुनने में आता है कि घर घर राशन योजना आप चलाते हैं, मुफ्त यात्रा आप लोग चलाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक आप लोगों की चलती है, तो लोग इसी उम्मीद के साथ आपकी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, तो इसको लेके क्या आपकी पार्टी ने हरियाणा में कोई कार्रवाई की है क्या? बिल्कुल, ये तो जो जैसे गुजरात मॉडल की मोदी जी बात करते थे जो झूठा मॉडल था, हम सच्चे मॉडल की बात करते हैं दिल्ली मॉडल की, और इसी मॉडल को हम प्रेजेंट करके लोगों से वोट मांग रहे हैं, लोगों से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। तो इसमें नो डाउट है कि उसी मॉडल को हम हर जगह लागू करेंगे। उसके अलावा जैसे कि अब हरियाणा की हम बात करें तो पृष्ठभूमि के हिसाब से ये किसानी एरिया है या किसानी समस्याएं ज़्यादा है, तो उनको लेके भी अलग से मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। उसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएँ हैं जो दिल्ली के अंदर दे रहे हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, वो सब भी यहाँ पर देंगे। धन्यवाद लक्ष्य जी।